हिमाचल प्रदेश में आगामी 17 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए सिरमौर जिला में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। नाहन में मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के पिथुरी ने बताया कि जिला में 5 चरणों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके लिए 17, 20, 24, 27 और 31 मई की तारीख तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए शुरुआती चरण में सिरमौर जिला को 8,500 वैक्सीन प्राप्त हुई है। डीसी ने कहा कि पंजीकरण के बाद ही इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, बिना पंजीकरण के कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपना पंजीकरण करवाएं ताकि उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। अठारह साल से ऊपर हैं, 45 साल से नीचे, उनकी वैक्सीनेशन के लिए जो 5 इस महीने में डेट्स में होगा, 17, 20, 24, 27 और 31, हमारे पास जो अभी स्टॉक आया है 850 वायल का है, जिसमें 8,500 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं, बिना कोविन रजिस्ट्रेशन के कोई भी किसी को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। अपना स्लॉट बुक करें, जो भी उसमें 17 साइट हैं जहां पे वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वहां पे वैक्सीनेट कराएं, और वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रबंध जो अनुपालना है, जो हमारे बीएमओज हैं इसके लिए नोडल अफसर हैं, हमारे एसटीएम्स इसको सारे को देखेंगे, ताकि वहां पे भी जो सिटिंग का अरेंजमेंट है या कोई हेल्प डेस्क है उसका प्रबंध करना है, ताकि लोगों को एक तरीके से गाइड किया जाए, वहां पे कोई भीड़ भाड़ ना हो वैक्सीनेशन के लिए। जो 18 साल से ऊपर ऐसे लोग हैं, तुरंत उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आज अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी थोड़ी देर में जो सीमा साहब ने मुझे सूचित किया है कि इनकी साइट ओपन हो जाएगी, 17 हमारी साइट है जिला सिरमौर में, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी। जिला सिरमौर में जो एक्टिव केसेज हैं 3,028 हैं, डेली कोविड जो पॉजिटिव केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जब ओवरऑल देखें 2-3 दिनों से उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल है, लेकिन इसका हम कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उसमें कोई डिक्रीज है। जैसे फर्स्ट वीक में हमारी पॉजिटिविटी 36% से ज्यादा थी, अब 35% के आसपास है। सत्य टीवी न्यूज के लिए नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट।